दोस्तों, हमारी दुनिया में 2500 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 500 के करीब जहरीले होते हैं। इन्हीं 500 में से मैं आपको दुनिया के 7 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 7 पर आता है ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है। यह धरती का सबसे तेज चलने वाला सांप है। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10-12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। ब्लैक मांबा के काटते ही आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में ये सांप इतना ज्यादा पाया जाता है कि मरीज के अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट मरीज को दिया जाता है। 6 नंबर पर आता है 100 स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां होती तो वैसे जहरीली हैं, लेकिन वाइपरों की सबसे जहरीली प्रजाति 100 स्केल्ड वाइपर है। ये भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये सांप बारिश में शिकार के लिए निकलते हैं और हो जाते हैं दुश्मन इंसान के। काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। इस वाइपर के काटते ही जिस हिस्से में इसने काटा है वहाँ तेजी से खून निकलना शुरू हो जाता है। मसूड़ों में खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आना शुरू हो जाती है। आदमी कई बार खून की उल्टियां करता है और नतीजा होता है मौत। 5वें नंबर पर आता है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हालांकि यह बहुत विषैला है, फिर भी ये इंसानों के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। इसके विष का शरीर में बहुत देर तक असर होता है। इसके विष का लगभग 6 घंटे तक असर होता है, इसलिए एंटी वेनम इसके इलाज में काफी कारगर है। 4 नंबर पर है रैटल स्नेक। जब ये अपनी पूंछ को हिलाता है तब इसके पूंछ में पीछे लगे हुए छिल्ले झुंझुनों की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा है। यह सांप बहुत ही गुस्सेला होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके बच्चे बड़ों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ साथ इनका जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हेमोटॉक्सिस जहर पाया जाता है। इस जहर के प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगते हैं। इसके काटने के 10-15 मिनट बाद आदमी की मौत हो जाती है। 3 नंबर पर आता है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। हैरानी की बात यह है, ये ऑस्ट्रेलिया के इंसानों के पास पाए जाते हैं। इनके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज दर्द और बहुत ज्यादा खून निकलता है। काटने के 5 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए कभी आपका इस सांप से सामना हो तो बिल्कुल स्थिर रहना ही सबसे बढ़िया उपाय होगा। 2 नंबर पर है इनलैंड टाइपन। यह जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि इतना नहीं है पर इतना घातक है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर रैटल स्नेक की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। यह सांप की आबादी दूर रहना ही पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत कम होता है, और यदि हो भी जाए तो ये वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस सांप के द्वारा इंसानों को काटने का कोई भी रिकॉर्ड आज तक मिला नहीं है। 1 और आखिरी नंबर पर आता है बेल्चर सी स्नेक। ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया
और नॉर्दर्न एशिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदें ही 1000 इंसानों के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण ये सांप इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभी इसका शिकार हो जाते हैं। यह अधिकतर मौके पर इंसानों को काटने से बच जाता है। बहुत ही रेयर केस में ही ये इंसानों को काटता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें और हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।